हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने फर्स्ट टाइम purple.com से शॉपिंग की है और ये मैंने फर्स्ट टाइम करी है। मैंने आज से पहले कभी भी इसे शॉपिंग नहीं की थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये कब मेरे पास पहुंच जाएगा। और मैं देखना चाहती थी कि जो मैंने शॉपिंग की है वो सच में मैंने अच्छी की है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मैं खुद कंफ्यूज थी कि पता नहीं अच्छा होगा प्रोडक्ट नहीं होगा और किस तरह के प्रोडक्ट होंगे। तो आई एम सो एक्साइटेड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो मुझे प्रोडक्ट मिले हैं। तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट मंगाए थे बट मुझे अभी सिर्फ ये एक बॉक्स रिसीव हुआ है। अभी कुछ आना बाकी है, सॉरी, सिर्फ एक एक ही बॉक्स रिसीव हुआ है मुझे। तो पहले मैंने सोचा था मैं सबको आने देती हूँ, फिर मैं आपके साथ रिव्यू करूँगी, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही देती हूँ। तो ये रहा मेरा बॉक्स, ये भी छोटू सा है, अभी एक और आना बाकी है। तो जब वो आ जाएगा तो मैं उसका रिव्यू भी करूँगी। तो इसमें मुझे एक फ्री में चीज़ जो है वो मुझे मिली है, तो उसमें कुछ ऑफर चल रहा था कि इतने में परचेज़ करोगे आप तो इतना यू नो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ इसमें एक चीज़ फ्री में भी मिली है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, फ्री वाला मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने इसमें से क्या क्या लिया है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसमें नायका में एंड ऑफकोर्स पर्पल में। तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी पैकेजिंग, ये बहुत ही अच्छे से अपने प्रोडक्ट को पैक करके भेजते हैं ताकि बिल्कुल भी ये डैमेज होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, वो इतने अच्छे से इसमें पैक करके इस तरह से भेजते हैं, प्रोडक्ट भी नहीं दिखता है, साथ में पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। और इतने से बॉक्स में सिर्फ दो आइटम्स थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ जो उनकी पैकेजिंग थी। वरना अमेजोन फ्लिपकार्ट में मैंने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स, रिव्यूज़ में देखा है, वैसे मेरे साथ हुआ नहीं है कभी ऐसा, तो रिव्यूज़ में मैंने देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स किसी के पास जाते हैं और वो टूट जाते हैं या टूटे हुए ही प्रोडक्ट उनको रिसीव होते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये है, मैंने ये फेस सीरम मंगाया है एन वाई का। ये देखिए एन वाई का फेस सीरम है ये रिव्यूज़ देखे हैं और रिव्यूज़ के बेस पे ही मैंने इसको मंगाया है। तो ये फेस सीरम है, मैंने विद एल्गेनिक एसिड मंगाया हुआ है। और ये जो है ये ब्लैक हेड रिड्यूस करने का काम करता है, डीप क्लीनिंग करता है। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फेस में पिंपल्स आ गए थे एंड पिंपल्स होंगे तो ब्लैक हेड्स भी होंगे ही। तो मैंने सोचा कि चलो सीरम ट्राई करते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है एक बार लैक्मे का सीरम जो है मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, मैं सच बता रही हूँ। उसके शायद रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे होंगे लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। मैं एन वाई का ट्राई करना चाह रही थी, बहुत सस्ता है और जो लैक्मे का है वो काफ़ी महंगा भी था प्रोडक्ट, और ये मुझे काफ़ी सस्ता रिसीव हुआ है। 175 का है ये, मुझे डिस्काउंट में शायद 125 समथिंग का जो है ये रिसीव हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये लोग क्लेम करते हैं, और जो मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे इससे रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे थे पिम्पल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मेरे पिम्पल्स हो गए थे, अभी मैं गुन्नू का बर्थडे था और मैं एक पार्लर में गई थी, तो उसने क्या किया, जो पिंपल्स निकालने की जो क्लिप्स भी होती है उससे मेरे ब्लैक हेड्स निकालने लगी। तो जिससे वो ब्लैक हेड्स वो काफ़ी गहरे थे, वो नहीं निकल पाए और वो पिंपल्स जैसे बन गए अगले दिन ही। उनसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि किसी को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बोल सकते हो तुम किसी को, ऑलरेडी तुम उसकी पेमेंट भी कर चुके हो। मैंने सोचा मैं उसे बोल के आती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि तू रहने दे, छोड़ मत बोल किसी को भी। मेरे बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं थे, बिल्कुल साफ था, क्लीन फेस था, बट उसने उसकी वजह से मेरे फेस में ना पिंपल्स हो गए। वो जो मेरे ब्लैक हेड्स थे वो निकले नहीं हैं, और वो ब्लैक हेड्स उसने काफ़ी दबा दिए ज़ोर से और जो निकल भी नहीं पाए, और वो जो ब्लैक हेड्स थे उन्होंने पिंपल्स का रूप ले लिया था। एनीवेज, तो मैंने ये मंगाया है, मैं सोचू मैं इसे ट्राई करती हूँ। मैं अभी इसका रिव्यू नहीं शेयर करूँगी, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ। ये देख लीजिए आप, इसके बारे में देख सकते हैं, बाकी आपको नेट पर मिल जाएगा। और बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, टिट्रिन टी ऑयल है इसमें, पपाया है और टमाटो है और सिलिकॉन एसिड है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, मैं बोलती हूँ मैं, ये जो आपके पिंपल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मैं ये सब चीज़ें होम मेड भी तुम बना सकते हो, लेकिन इतना स्यापा कौन करे, इसलिए मैंने सोचा चलो ये इससे ही मंगा लेते हैं। तो मैंने अभी इसको यूज़ नहीं करा है, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं अभी इसका ये रिव्यू नहीं करूँगी। मैं कम से कम मैं 10 दिन तक इसको यूज़ करके देखने वाली हूँ।
ये किस टाइप का है और इससे सच में मेरे पिंपल्स गए हैं या नहीं गए हैं। मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के परमानेंट पिंपल्स हैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ मेरी तरह कभी कभी हो जाते हैं मेरे पिंपल्स, तो कभी कभी वाले जो पिंपल हैं वो शायद इससे जा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर अभी भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसका रिव्यू अभी, मैंने प्रोडक्ट जो है अपने फेस पे नहीं अप्लाई करा है, तो मैं इसको अप्लाई करने के बाद ही आप लोगों के साथ ट्रूली जो रिव्यू है वो शेयर करूंगी, लेकिन अभी से मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये मंगाया है। जो मेरा सेकंड जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो मैंने मंगाए थे नेल पेंट्स जो इस तरह की पैकेजिंग में आए थे, और ये काफ़ी सारे नेल पेंट्स हैं जो मैंने मंगाए थे, है जो मैं ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। मेरे जो नेल्स हैं वो अभी इतने बड़े नहीं हैं क्योंकि मेरा गुन्नू है वो ब्रेस्ट फीड करता है, तो मुझे हमेशा डर रहता है कि उसको कहीं लग ना जाए, तो मैं इस चीज़ से काफ़ी डरती हूँ कि उसको कहीं लग ना जाए मेरे नाखून। लेकिन मेरे भाई की शादी आने वाली है तो मैंने सोचा कि चलो अपने नेल्स बढ़ा लिए जाएँ। मेरे नेल्स काफ़ी लंबे थे, लेकिन जब से गुन्नू है मैंने अपने नेल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए हैं, 1 साल हो गया मैंने अपने नेल्स नहीं बढ़ाए हैं। मैंने कोई नेल पेंट्स भी नहीं परचेज़ की थी, बट मैंने बहुत टाइम बाद ये नेल पेंट्स परचेज़ करी हैं NY की, और आप सोच भी नहीं सकते ये इतनी सस्ती हैं। मैंने इसको, ये जो ये वाली नेल पेंट है मैंने इसको कल से लगाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने बर्तन और साथ में किचन का भी मैंने सारा काम करा है, बट ये बिल्कुल एज इट इज़ है, तो मतलब ये बिल्कुल भी नहीं जा रही है। मैं देखना चाहती हूँ ये कब तक रहेगी, बट मैंने इसके नेट पर रिव्यूज़ देखे थे तो उन्होंने बोला था कि ये 5 से 6 दिन तक रहती रहती है। मैंने सिर्फ एक कोड अप्लाई करा था इसमें और ये अभी भी इतनी अच्छे से है एज इट इज़ है, तो मुझे ठीक लग रहा है। नहीं तो कई होती हैं वो निकल जाती हैं जल्दी, यार मेरे ब्रांडेड भी यूज़ कर रखी हैं मतलब सभी निकल जाती हैं। तो चलिए अब मैं इनके सबके स्क्रैच दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से हैं ये नेल पेंट्स, किस तरह के नेल पेंट्स हैं ये। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी फर्स्ट नेल पेंट, ये ग्रे कलर है, ये काफ़ी सुंदर कलर है। सिर्फ सबके मैंने एक ही कोड अप्लाई करा है, टोटल 9 शेड्स हैं। ये 10 नंबर है इसका, जो इस कोड का नंबर है ये 10 है, तो ये काफ़ी एक ही बारी में अप्लाई करने से काफ़ी अच्छे से स्मूथली लग जा रही है और काफ़ी अच्छा शेड दे रही है सिर्फ एक कोड में ही। तो ये मेरी सेकेंड नेल पेंट है, ये और जो से नेक्स्ट है वो दोनों मुझे लगभग सेम सेम ही लग रही थी, तो इसका जो शेड है वो है 19। तो ये शिमर में है, अच्छी नेल पेंट है, बट मुझे इसके जो नेक्स्ट है वो भी देखना सेम सेम ही आपको लगेंगे। तो ये रही मेरी नेक्स्ट, लग रही है ना सेम, ये बस थोड़ा डार्क हो गया, वो थोड़ा लाइट था, ये 13 शेड है। तो अगर आप लोगों तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही लेना, तो मैंने सोचा मैं किसी को दे दूंगी ये, लाइक अपनी सिस्टर मदर या किसी को भी दे दूंगी, तो सुंदर शेड है ये, बट एक ही लिया जाता ज़्यादा बेटर था। तो ये मेरा नेक्स्ट है, ये थोड़ा पर्पल में कह सकते हैं, ये भी सिर्फ एक कोड लगा है, तो ये देखिए कितने अच्छे से अप्लाई हो गया है ये कोड में ही, सुंदर शेड है ये भी। ये मेरा नेक्स्ट शेड है, इसका नंबर है 8, और ये भी सिर्फ एक कोड लगा है, तो आप देख सकते हैं कोड में कितनी अच्छे से ये अप्लाई हो गई है, कितने स्मूथली, और ये ग्रीन लाइट ग्रीन शेड है, और ये काफ़ी सुंदर शेड है ये वाला भी, ये मैंने पहले भी लगाया हुआ था, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा यही शेड लगा है। तो अब चलिए नेक्स्ट शेड हमारा ये है, ये मेरे पास ऑलरेडी थी इस टाइप की, पर वो लोटस की है, सो इसका शेड है 5। तो ये भी मैं सोच रही थी मैं किसी को दे ही दूंगी, मतलब मेरे पास मुझे क्या करना है स्लिम शेड का। तो चलिए अब नेक्स्ट, ये हमारी 14 शेड, ये प्लस वो दोनों जो मैंने आपको बताई थी, ये मुझे तीनों एक जैसी ही लग रही थी सही बताऊँ तो। तो पर सबके कोड अलग हैं तो आप लेने से पहले सोच लेना। तो ये है लास्ट शेड जो मुझे फ्री में मिला है, ये भी आप इसे क्रीम कलर कह सकते हो, क्रीम कलर का शेड है ये, काफ़ी सुंदर है, इसका कोड है 3। तो ये काफ़ी सुंदर शेड है, अच्छा है ये शेड भी, आप नॉर्मली डेली वेयर हैं, ये काफी सुंदर नेल पेंट्स हैं और काफी टाइम तक रहेंगी। अब मैं इन नेल पेंट्स का प्राइस आपको बता देती हूँ जिससे आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे, मतलब इतनी सस्ते नेल पेंट्स मुझे नहीं लगता कि कहीं पर लोकल वगैरह मिलती होंगी, और बाकी मुझे नहीं लगता कि और किसी ब्रांड की इतनी सस्ती नेल पेंट मिलती है अच्छे ब्रांड की। तो मुझे ये नेल पेंट जो रिसीव हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 36 रुपीज़ की, 36 रुपीज़, 36 रुपये की ये एक नेल पेंट मुझे रिसीव हुई है। तो मैं इतनी, मतलब मैंने इतनी नेल पेंट्स ली तो
मतलब अच्छी भी ली मैं बोलूँगी, और लोकल भी मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, तो मैं सही बता रही हूँ, मुझे इससे बेस्ट नेल पेंट और अफोर्डेबल कोई भी नहीं लगी है। मैं सच में बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छी नेल पेंट्स हैं, इनके नेल स्वेचेस मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये बहुत ही प्यारी नेल पेंट्स हैं। तो मुझे जो फ्रेंड्स जो मुझे फ्री में नेल पेंट रिसीव हुई है वो है ये नेल पेंट, ये मुझे फ्री में रिसीव हुई है। इसी साथ फेस वॉश भी है, वो भी मुझे फ्री में मिला है, वो भी मेरे पास नहीं पहुँचा है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ आने वाला है। तो फ्रेंड्स मुझे ये जो है नेल पेंट फ्री में रिसीव हुई है, ये सारी नेल पेंट खरीदने के साथ। ज़रूरी नहीं है, शायद ऐसा था कि दो तीन या चार, पता नहीं कुछ ऐसा हिसाब किताब था कि आप इतने प्रोडक्ट खरीदोगे या फिर तो आपको ये एक नेल पेंट फ्री में मिलेगी। तो मुझे ये नेल पेंट फ्री मिली है, एक तो टोटल हो गई मेरे पास 8 नेल पेंट। तो मेरे को 8 नेल पेंट्स जो है रिसीव हुई हैं, वो सारी नेल पेंट्स काफ़ी अच्छी नेल पेंट्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छी है। ये भी बहुत ही प्यारी नेल पेंट है, बहुत ही क्यूट सा शेड है, ये क्रीम सा कलर है इसका। तो मैं इसका भी नेल स्वेच दिखा लेती हूँ आपको कि किस तरह की ये नेल पेंट है। सो फ्रेंड्स अभी मेरे पास सिर्फ इतना सामान है जो मुझे रिसीव हुआ है, बाकी आना भी बाकी है। तो फ्रेंड्स आई नो फ्रेंड्स बैकग्राउंड चेंज हो गया है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरे नेल्स के स्वेचेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आने वाले हैं, जो अभी नए आए हैं, शायद कल तक रिसीव हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मिले हैं मुझे। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ, और ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, नेल पेंट्स बहुत ही प्यारी हैं, और NY का मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी मुझे देखना पड़ेगा, मैं खुद इसका रिव्यू करूँगी अच्छा सा। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये सच में इफेक्टिव, शायद हो सकता है आपको मेरे पिंपल्स दिख भी रहे हों, ये देखिए ये भी हैं, यहाँ पिंपल्स हो गया है मेरा। तो अगर मुझे लगता है कि ये सच में रिड्यूस हो जाते हैं उसको लगाने के बाद, तो मैं उसका सच में ट्रूली उसमें उसका रिव्यू करूँगी। और चलिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तो बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए।